नारे थोड़ा बाद में चलो बताना, बहुत संभव बात नहीं होगी। मेरा जीवन खुली किताब रहा है पिछले 12-13 साल की, जो मेरे 9-10 साल 12 साल की मेरी नौकरी है, मेरा जीवन एक खुली किताब रहा है। और मुद्दों के बारे में बाकी 3 प्रत्याशी बड़े लंबी डिटेल बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सुन लीजिएगा। आज सुबह से जो लोग यहाँ पे बने हुए हैं, अगर आप नारा थोड़ी देर बाद लगा ले प्लीज, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। और मुझे नारे बहुत पसंद कभी रहे नहीं जिंदगी में। मैडम, अगर नारे लगवाने होते मुझे तो आप यकीन मानिए मैं कल बहुत खड़े कर सकता हूँ। कर छोड़िए, मैं अभी आपने सुबह से एक चीज देखी होगी, ये पहली भी कई बार देखी होगी, बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, बहुत सारे लोग कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, और खराब मौसम में टक्कर मार रहे थे, खुद ही चक्कर लगाए जा रहे थे। अगर अगले 2 साल तक आपको ऐसे टक्कर चक्कर वाले आदमी लोग चाहिए जो आपके मुद्दों को घन चक्कर बना दे, तो आप तीनों को किसी को मत चुन लीजिए, मैं आपको बधाई दूंगा, उन तीनों को भी बधाई दूंगा। लेकिन आपको लगता है कि इन मुद्दों पे काम किया जाना चाहिए शांति से, तर्क से, औचित्य से, तो आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। शेर आ गया, शेर आ गया। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संगठन गड्ढे में जा रहा है। मेरे ख्याल है आप इस समय 1600 मीटर की ऊंचाई में किसी गड्ढे पे नहीं है, ठीक है ना? अगर संगठन गड्ढे में जा रहा होता आज यहाँ पे सैकड़ों शिक्षक नहीं होते। शिक्षा ये संगठन की ताकत है, संगठन कमजोर होता है कई बार, व्यक्ति कमजोर होता है, संगठन यहाँ पर है, आप सामने हैं, ये इसका सबूत है। तो आपको कौन चाहिए अभी? आपको क्या वो लोग चाहिए जो नारों के साथ, वादों के साथ मुद्दे बनाए जाएंगे? मुझसे कहा जा रहा है कि 12 साल की नौकरी हुई है, संगठन की भांति काम करने के लिए टीम बनानी पड़ेगी। ये छस नहीं है कि एक ही आदमी, एक अध्यक्ष या मंत्री सब जगह काम कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि शासन के संगठन का मुकाबला हमारा संगठन करे, विभाग के संगठन का मुकाबला हमारा संगठन करे, तो आप मुझे चुन सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नारों से, वादों से, उन्माद से, हल्ले गुल्ले से समाधान हो जाएगा, तो मेरे ये 3 मित्र बहुत इस मामले में बहुत ही अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, आपने देखा मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बाबा जी आप सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं, आप घर में आराम से बैठे हो। मैं ज्यादा नहीं गया कहीं, मैं फौज में रहा हूं 20 साल, तो हमारी एक ट्रेनिंग है, वो कहती है कि मोर यू स्वीट इन पीस, लेस यू ब्लड इन वार। युद्ध शांति काल में आप जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे, युद्ध काल में आप उतना ही कम खून बहाएंगे। तो जो आप मेरे को जानते होंगे, पिछले 12 साल से ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होगा जहां से कम से मैं 3 बार नहीं गया हूं, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग कामों पे। मुझे हर बार जाने की जरूरत नहीं है, खाली चुनाव के समय में बाहर नहीं निकलता हूं। आप लोगों ने मुझे देखा, विभिन्न मुद्दों पे मैं विभिन्न समय पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे उपलब्ध रहता हूं। तो अगर आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो अगले चुनाव के समय फिर आपको दिखाई दे, आपके बीच में दिखाई दे, फिर मैं आपके सामने 3 मूर्तियां हैं। और आपको अगर ऐसा आदमी चाहिए जो आप समय आपके साथ खड़ा मिले, तो मुकेश प्रसाद गोहुना जी आपके सामने हैं, आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसा आदमी, आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में ऐसे बहुत से मुद्दे आए कि जब सरकार ने, मंत्री ने, किसी अधिकारी ने कोई गलत निर्णय लिया हो, कोई गलत निर्णय अगर लिया हो, मैं टाइम भी देखूं जरा, ये घंटी बजेगी अच्छा नहीं है। अरे गई अधिकारियों ने आपने देखा होगा जब भी कभी कहीं से कोई खतरा आया, मुकेश प्रसाद बहुना ने हमेशा उसका विरोध जरूर किया होगा, सांकेतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, जैसा भी। तो आपको चाहिए क्या? देखिए, मैं तय कर चुका हूं कि मैं प्रांतीय अध्यक्ष का प्रत्याशी हूं। अब तय आपको करना है कि आपको कौन चाहिए। मैं 5-6 ये 6 मिनट लंबा बोल, ये 6 मिनट बोल।
मेरे ख्याल है मेरी बात समाप्त हो चुकी है। तय आप करिए कि आप किस ओर है, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो। ये चक्कर घन चक्कर की ओर हो या असली मुद्दों की ओर हो। जय हिंद जय भारत। सभी अतिथियों का और इस अधिवेशन में आए हुए मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और नवीन कार्यकारिणी के गठन हेतु आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। कितना दूर है यहां पर से? साथियों, मैं रविंदर सिंह राणा, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज खंकरी चंबा, टीरी गढ़वाल में कार्यरत हूं। मेरी पहचान मेरे कार्य है, मैं शिक्षक हूं, यही मेरी पहचान है। साथियों, मुद्दों की बात करो, पुरानी पेंशन बहाली के लिए राजकीय शिक्षक संघ ने आंदोलन नहीं किए, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। साथियों, पदोन्नति की बात होती है, 7% पदोन्नति करवाई जाएगी, परंतु साथियों ये भी देखना होगा कि ये पदोन्नतियां कहां अवरुद्ध हुई हैं। आज सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं, हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, मैडम बुला रहे हैं, आप 1845 आर्टिकल 226 खोलिए और देखिए कौन लोग कोर्ट में, किन की वजह से ये पदोन्नतियां रुकी हुई है, ये जरूरी जानना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग मिला तो मैं पदोन्नतियां शीघ्र करवाने का प्रयास करूंगा। स्थानांतरण एक्ट में संशोधन के साथ उप श्रेणियां विभाजित होंगे और यदि विभाजित नहीं हुई तो साथियों जो विद्यालयों को प्राप्त अंक मिलते हैं यदि 90 अंक के साथ सुगम विद्यालय है तो शिक्षकों को 90 अंक मिलेंगे। छठवें वेतन आयोग से वेतन विसंगतियां हैं, जो पदों पर रहे बताएं कितने प्रस्ताव आपके गए। आज तक बेसिक से आए हुए सम्मानित शिक्षक साथियों को चयन प्रोन्नत नहीं मिला, तदर्थ नियुक्त शिक्षकों को चयन प्रोन्नत में नहीं मिला, एलटी से तदर्थ पदोन्नतियां हुई 2005 में, आज तक उनकी सेवाओं का लाभ उनको नहीं मिला। क्या साथियों ये न्याय संगत है? साथियों, सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया गया, सभी सब्जेक्ट सभी विषय विद्यालयों में समायोजित नहीं किए गए, इसके जिम्मेदार कौन है? मिला कुछ? क्या शैक्षिक रूप में हमने कार्य नहीं करने चाहिए? साथियों, शुरू करेंगे, आप लोग शांत हो जाइए पहले प्लीज। उत्तराखंड के सम्मानित शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों, सबको सादर प्रणाम। शांत हो जाइए आप लोग प्लीज।
गोल जी देवता के इस धरती को सादर प्रणाम करते हुए सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में उन वीर पुरोधाओं को सर्वप्रथम जिन्होंने इस राजकीय शिक्षक संगठन का बट वृक्ष इस धरती पर लगाया था, जिसमें स्वर्गीय सरदय नंदन सिंह नयाल जी और स्वर्गीय सरदय बड़े भाई कन्नैल सिंह जी, जिन्होंने एक सूत्र में पिरो कर इस संगठन की माला पहनाई थी, माला बनाई थी, मैं उन दोनों पुरोधाओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही श्रद्धेय यहाँ पर जो निर्वाचक मंडल और जिन्होंने इस सिंडिकेट को जवाब देने के लिए इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी, उस शिक्षक का शिक्षक भाई बहनों का बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इनके मनसूबे कामयाब नहीं होने दे और निश्चित रूप से इनके मनसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इतना हिल यहां पे इतना भूचाल यहां पे ला रहे हैं, छह साल तक पदों पे विराजमान थे, जो अपने संगठन के लिए अपना से ही दिला पाए, यह आपके कैसे वादे पूरे कर सकते, ये किस आधार पर आपसे वादे कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, ये पद में थे शीर्ष पदों में थे तो इन्होंने आज तक क्या किया, इनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। सम्मानित साथी, मेरी प्राथमिकताएं हैं और मेरी खुली किताबें कुछ भी षड्यंत्र करते हैं, इन्होंने जिनके जो भाषण होते हैं और राम सिंह चौहान के नाम से होते हैं कि राम सिंह चौहान काली गाड़ी में घूमता है, अच्छे कपड़े पहनता है, क्या मैंने इन्हें मना किया कि तुम अच्छी गाड़ी न घूमो अच्छे कपड़े ना, ये रात खुलते हैं राम सिंह का नाम जपते हैं, रात पड़ते ही राम सिंह का नाम जपते हैं, क्योंकि इनपे मुद्दे ही नहीं है, मुद्दे होते तो छह साल तक इस तरह शिक्षक समाज को बर्बाद नहीं करते। मेरे सम्मानित साथियों, मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये कुछ भी बोल रहे हैं, मैं दावे के साथ इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ कि अगर दो महीने के अंदर हमारा यात्रा अवकाश और पदोन्नति सूची जारी नहीं होगी तो मैं पूरा उत्तराखंड बंद कर दूंगा। सम्मानित साथियों, मेरे को सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि जो हमारा आत्मसम्मान था, हमारा गौरव था, जो हमारी गरिमा थी, जो इन्होंने धूल धूसरित कर दी, उसे मिट्टी में मिला दिया, मैं उस आत्म सम्मान उस गौरव को पुनः स्थापित करूंगा। ये हम पे बचा क्या है, ये हमारा यात्रा का खा गए, ये हमारी पदोन्नति खा गए, हमारे ट्रांसफर खा गए, सब कुछ बचा क्या। 2017 में पीईटी फिजिकल के साथियों को यहाँ पे बोलना चाह, जो आप मात्र वोट के साधन जिनके लिए बन जाते हो, 2017 में मैं कला और फिजिकल और कृषि की जो फाइल आज भी धूल पे भाग रही थी, मैंने अपने आप उसे शासन में ले गया था। अरे बात करते हम कैसे करेंगे, सम्मानित साथियों, मेरी हर प्राथमिकता है हमारे युवा साथी, बहुत से सबसे बड़ा सौभाग्य मैं देख रहा हूँ आज कि हमारा जो बच्चा कल आया, जो युवा है, आज जो भारी मात्रा में यहाँ पे आया है, क्योंकि उसकी सबसे आज जो कठिन परिस्थिति से गुजरा है कि उसकी पेंशन छीन ली गई है, तो मैं दावे के साथ आपसे कहता हूँ कि अगर मुझे कोई मतलब नहीं कि प्रदेश में कौन सा संगठन है, मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ कि मैं उत्तराखंड की सड़कें जाम कर दूंगा, शिक्षकों का सेना बहुत पे आएगा। मेरे बहुत से सम्मान साथी हमें समायोजित के साथी हैं, रोज हो रहे वो जब स्वयं बात करते हैं कि हमें भ्रष्टा नहीं चाहिए, हमें आर्थिक लाभ चाहिए, हमारे तदर्थ के साथ बोलते हैं भ्रष्टा नहीं आर्थिक लाभ चाहिए, हमारे जो 20 और 21 साल में पदोन्नत होते हैं और उनका चयन पुनर्नत छीन लिया जाता है, तो क्यों न उन्हें आर्थिक लाभ में उनकी पूर्व सेवाओं को जोड़ा जाए, क्या यह अन्याय नहीं है। मैं यह घोषणा करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ आपको कि मैं निश्चित रूप से आपको वो लाभ दिलाऊंगा, और आप जान सकते हैं मेरे समस्या मेरे न रहते हुए भी पद पे, चाहे पिथौरागढ़ की बहुत सारी बहनें यहाँ पे बैठी होंगी, बहुत सारे शिक्षक साथी बैठे होंगे कि मैं डेली डेली साल में एक चक्कर केवल आपके काम के लिए जाता हूँ, दिन रात अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए होंगे, तो निश्चित मैं
काउंसलिंग मैंने शुरू कराई थी, बनाई मेरे पदाधिकारी यहाँ पे काउंसलिंग मैंने शुरू कराई थी। आपके बहुत सारे मुद्दे छूट गए होंगे, मैं माफी चाहता हूँ। 25 बिंदुओं का मेरा घोषणा पत्र है, कोई साथी अगर मेरा छूट गए किसी, मैंने 25 बिंदुओं में पूरे समर को समेटा है और निश्चित रूप से काउंसलिंग भी होगी और हर शिक्षक की कटौती बंद होगी। नटल वालों में बता दो, अपने आप से पूछो अगर राम सिंह चौहान अध्यक्ष होता तो क्या आपके अटल स्कूल खुले? मैं प्रश्न आपसे करता हूँ, बिल्कुल जवाब है। ये यहीं पे नाच सकते हैं, ये ढंग मैं उपाध्यक्ष सबको ही बोलूं, मैं तुम पदाधिकारी थे, तुमने किया क्या? तुमने कबूतराबाद के नारे लगाए सरकार, 24 का चुनाव है तो मैं 24 के चुनाव में सरकार को भी बोल देता हूँ, अगर सरकार यहाँ बदले आ रहे हैं मैं उनकी सत्ता हिला दूंगा।